नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार के काशी अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बोलबम के नारों से वातावरण हुआ भक्तिमय। महाशिवरात्रि के अवसर पर मोतिहारी में भी दिखा शिव भक्तों में जोश। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। महाशिवरात्रि के अवसर पर पताही पूर्वी पंचायत स्थित हनुमान मंदिर के प्रांगण में अष्टयाम का हुआ आयोजन। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच नरकटियागंज में हर्षोल्लास के साथ आज मनाया गया महाशिवरात्रि का पर्व। सारण में भी दिखा शिव भक्तों का उत्साह। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शहर से गांव तक विभिन्न शिवालयों में भक्तों ने किया जलाभिषेक। सुगौली प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से लोगों ने मनाया महाशिवरात्रि का पर्व। शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। वहीं महाशिवरात्रि के अवसर पर मझौलिया हुआ भक्तिमय। शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। सारण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत सैकड़ों विद्यार्थियों को SBI ने किया सम्मानित। शिवहर जिले के डेकुली धाम स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर दिखा भक्तों में उत्साह। हजारों शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। और रोमांचक मुकाबले में कंचनपुर नेपाल की टीम ने बेतिया को किया पराजित। कंचनपुर टीम के विश्वजीत बने मैन ऑफ द मैच, तो झुमका टीम के दानिश अहमद को मिला मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत बिहार के काशी अरेराज बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने जलाभिषेक किया। वहीं सुरक्षा को लेकर मंदिर प्रशासन व अनुमंडल प्रशासन की तरफ से जगह जगह चेक पॉइंट बनाकर चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी, महिला बल व पुरुष बल की तैनाती किया गया था। वहीं अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल के तरफ से कैंप लगाकर शिव भक्तों के लिए विशेष सुविधाएं दी जा रही थी। बता दें कि अहले सुबह करीब 2:30 बजे बाबा सोमेश्वरनाथ का श्रृंगार व पूजा कर मंदिर का पट शिव भक्तों के लिए खोल दिया गया। शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखी गई, जहां पूजा अर्चना कर भक्तों ने मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को जलाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, भांग, दूध, धतूरा आदि का भोग लगाकर पूजा अर्चना किया। गौरतलब है कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को भगवान शिव की उपासना का यह महापर्व अपना विशेष महत्व रखता है। इसी दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शास्त्रों की माने तो महाशिवरात्रि की रात ही भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसके बाद ही हर साल फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि मां पार्वती सती का पुनर्जन्म है। मां पार्वती शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिव जी को अपना बनाने के लिए कई प्रयत्न किए। भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद मां पार्वती ने त्रियोगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड में कठिन साधना की और शिव जी को मोह लिया। और इसी दिन शिव जी और मां पार्वती का विवाह हुआ था। सर्किल इंस्पेक्टर सीओ साहब यहाँ मौजूद है और इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ प्रशासन की तरफ से तैयारियाँ की गई है और इन लोगों के तरफ से किस प्रकार की सुविधाएं शिव भक्तों को मुहैया कराई जा रही है। सर, क्या व्यवस्था है? देखिए, सीओ सर और DSP सर के ज्वाइंट ऑर्डर से लगभग 100 जगहों पर दंडाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी अपने अपने जगह पर कार्यरत हैं और लोगों को सुविधाएं दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सभी मजिस्ट्रेट एंड फोर्स तैनात है, हम लोग लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से हर वैसा जगह पर ड्यूटी लगा हुआ है जहां पर आदमी का गैदरिंग होने की संभावना है, जहां पर लोगों के द्वारा मतलब कि बलात् रूप से प्रवेश करने की संभावना है, वहां पर हर जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है। और अभी तक हम लोग काफ़ी शांतिपूर्ण रूप से जल अर्पित करवाने में सक्षम हुए हैं और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही होगी। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भक्तों की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई है। श्रद्धालु बेलपत्र, गंगा जल, दूध से जलाभिषेक करने पहुँच रहे हैं। मंदिर के कपाट आज सुबह 4 बजे से ही खोल दिए गए। भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुट रही है।
लोग परिवार के साथ पहुंचकर जलाभिषेक किए और मन्नतें मांगी। आज शिवालयों में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। मोतिहारी के सभी शिवालय में लोगों की भीड़ देखने को मिली। मोतिहारी मेन रोड स्थित नाका नंबर 1 के प्रांगण में महाकाल सेवा संघ के सदस्यों ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है, जिसका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। इस बार भी इसकी तैयारी पूरी है। साथ ही मेन रोड व्यवसायी संघ के सहयोग से यहाँ महाभंडारे का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे भंडारा का व्यवस्था है और यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर आपके सामने सब लाइट वुड की व्यवस्था है और मेन रोड व्यवसायी सब सारे मिलकर यहाँ पर महाशिवरात्रि का एक भव्य आयोजन हम लोगों ने आज के दिन के लिए किया है। आज के दिन का हम लोग का मेन मोटो यही रहता है कि टाउन थाना से शिव जी की बारात चल के आती है और हम लोग यहाँ पर सारे व्यवसायी संघ के तरफ से ये आयोजित जो होता है हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और फिर शाम में उसी शादी के मतलब शादी का जो बारात निकलता है उसके बाद हम लोग उनका स्वागत करने के बाद शाम में महाभंडारा का यहाँ पे आयोजन करते हैं। ये महाशिवरात्रि पे जैसा कि आज शिव जी का शादी का विवाह का दिन है, इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। मंदिर का सजावट और शाम में भंडारा का भी आयोजन किया गया है और ये विगत 6 वर्षों से हो रहा है। और इसके सबसे पहले यहाँ के कर्ता धर्ता थे आपके नाका नंबर 1 के प्रभारी थे अख्तर साहब, उन्होंने ही शुरुआत कराया था और हम लोग ने शुरू किया था। आज ये उन्हीं का देन है, उन्हीं के शुरुआत के बाद से हम लोग ये करते हैं। वो खुद हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, आज तो इस दुनिया में शायद वो नहीं रहे जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, लेकिन उनका विदागिरी यहीं से हुआ था, रिटायर भी यहीं से हुए थे और उन्होंने ही शुरुआत कराया था और ये कार्यक्रम हम लोग जब तक है तब तक करने का प्रयास करते रहे। पताही प्रखंड क्षेत्र के पताही पूर्वी पंचायत स्थित हनुमान मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित अष्टयाम को लेकर आज कलश यात्रा निकाली गई। 151 कुमारी कन्याओं के साथ महिलाओं व श्रद्धालुओं द्वारा केसरिया ध्वज, ढोल नगाड़े, झाल मजार, घंटी, घड़ियालों व शंखनाद के साथ जय श्री राम, जय हनुमान व बोलबम के जय घोष के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यह कलश यात्रा यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर नगर का भ्रमण करते बेलवा घाट पहुंची, जहां पवित्र बागमती नदी से जल भराई करने के बाद पात्र को पुनः यज्ञ स्थल लाया गया, जहां आचार्य द्वारा जल कलश का स्वागत कर पंचांग पूजन के साथ अष्टयाम की शुरुआत की गई। इस दौरान सभी क्षेत्रवासी भक्ति में डूबे नजर आए। यज्ञ के आयोजनकर्ता ने बताया कि विश्व के कल्याण और प्राणियों में सद्भाव के लिए प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि पर अष्टयाम व भंडारे का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाता है। मौके पर मुखिया कृष्ण मोहन सिंह, सरपंच राम निवास दुबे, संतोष महतो, राम आधार राउत समेत पूरे ग्रामवासी मौजूद थे। रात्रि के शुभ अवसर पर अष्टयाम एवं भंडारा का व्यवस्था किया गया है। हर साल के भांति इस साल भी किया जा रहा है। नरकटियागंज क्षेत्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया गया। पर्व को लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के शिवालयों पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। प्रखंड क्षेत्र के हर छोटे बड़े शिवालयों पर भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए महिलाओं से लेकर पुरुष व बच्चे पहुंचते रहे। श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर वंदन करते रहे। हर जगह हर हर महादेव का नारा गूंजता रहा, कहीं रुद्राभिषेक तो कहीं जलाभिषेक होता रहा। पूरे दिन श्रद्धालु शिव मंदिरों की परिक्रमा कर अपनी मन्नतें मांगते रहे। वहीं प्रखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध बनवरिया शिवालय पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ शिवालय पर उमड़नी शुरू हो गई। श्रद्धालु मंदिर प्रांगण के पोखर से जल भरकर भगवान शिव पर अर्पण करते रहे। पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार मुख्य द्वार से बाहर लगी रही। मंदिर प्रांगण में कोई कथा सुनाता रहा तो कोई पूजा अर्चना में लीन रहा। मंदिर परिक्षेत्र में भव्य मेला लगा रहा। पूजा सामग्री से लेकर मिठाई, काठ की सामग्री और घरेलू सामग्रियों की खरीदारी में ग्रामीण श्रद्धालु जुटे रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ से पूरा बनवरिया गांव भक्तिमय रहा। वहीं मेला और मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली व शिकारपुर पुलिस कड़ी सुरक्षा में मुस्तैद रही। महिला व पुरुष जवानों के साथ पुलिस पदाधिकारी पूरी तरह चौकस दिखे। सारण जिले में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर शहर से गांव तक विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक की धूम रही। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करने को लेकर अहले सुबह से ही शिव मंदिरों में महिलाओं व पुरुषों की भीड़ जमा हो गई, जिसका सिलसिला दिन के दोपहर तक जारी रहा, जिसके दौरान शिव भक्त महिला श्रद्धालुओं की आस्था पुरुषों के मुकाबले सभी जगह बढ़ चढ़कर देखी गई। पूजा अर्चना की सामग्री के साथ गांव व शहर के हर चौक चौराहों से होकर शिव मंदिरों की तरफ महिलाओं की टोलियां कूच करती हुई नजर आई। तो वहीं मंदिरों में जलाभिषेक करते इक्के दुके ही पुरुष धर्मावलंबी नजर आए। इस दौरान कहीं अखंड अष्टयाम हरि कीर्तन तो कहीं साधु संतों व आचार्यों की वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लोग पूजा अर्चना व हवन भी करते हुए नजर आए। ऐसा ही कुछ नजारा सदर प्रखंड के खलपुरा गांव स्थित चंद्रमौलेश्वर नाथ मंदिर परिसर में देखा गया, जहाँ आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालु भक्त अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की
कामना के साथ हवन आदि पूजा अनुष्ठान भी करते हुए नजर आए। इस दौरान शेरपुर गांव के मध्य स्थित शिवालय में शिव भक्तों के द्वारा अखंड अष्टयाम व हरि कीर्तन का भी कार्यक्रम देखा गया। वहीं इस मौके पर शहर के प्रभुनाथ नगर स्थित शिव शक्ति मंदिर, मौना अड्डा प्राचीन शिव मंदिर तथा साहेबगंज स्थित शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। शिव और पार्वती का जो अकाट्य संबंध है, मधुर संबंध है, जिसके अंतर्गत महिलाएं ज्यादा इसमें बढ़ती हैं। शिवरात्रि जो है महाशिवरात्रि, उस दिन शंकर भगवान की विवाह के लिए शिवरात्रि को माना जाता है, मनाया जाता है, और यह बुराइयों को विनष्ट करके उस दिन अच्छाई का प्रकाश हुआ, इसके उद्देश्य से भी इसको मनाया जाता है और कैलाश पर्व के रूप में भी इसको शिवरात्रि को मनाया जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में इसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसी उद्देश्य से लोग इसको मनाते हैं। बहुत अच्छा यह पर्व है, इसको सब धूमधाम से मनाते हैं और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भी इसको बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। शिवहर जिले के पिपराही डेकुली धाम स्थित बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर पर शिवरात्रि के अवसर पर हर हर महादेव की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखाई दी। महाशिवरात्रि के अवसर पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं को अलग अलग कतारबद्ध तरीके से प्रवेश कराया जा रहा था। यहां सुबह 5 बजे से ही जलाभिषेक करने को लेकर हजारों शिव भक्तों का भीड़ देखने को मिला। न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं, इस समय हम मौजूद है बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम मंदिर पर। महाशिवरात्रि को लेकर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जुट चुके हैं। पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह 5 बजे से ही लोगों का यहाँ हजारों की संख्या में जुट चुके हैं और जलाभिषेक करने के लिए यह भीड़ देखा जा रहा है। अगर सुरक्षा की बात कही जाए, काफ़ी सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा मैन भी आपको दिखाएंगे कि बैरिकेडिंग लगाया गया है। 2 जगह लोगों को लाइन में लगाकर बैरिकेडिंग के हिसाब से काफ़ी यहाँ भीड़ जुट चुकी है। लोगों को आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ काफ़ी मुस्तैद है और लोगों को एक एक करके दर्शन कराने के लिए, जलाभिषेक कराने के लिए लोग अंदर लेके जा रहे हैं। तो पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखा देंगे कि काफ़ी यहाँ भीड़ो भाड़ देखने को मिल रही है। दूसरी छोर की हम दिखाएंगे, आप दूसरी लाइन की तस्वीर वहाँ देख सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मगर प्रशासन का यहाँ काफ़ी पुख्ता इंतजाम है। उसको लेकर, जलाभिषेक को लेकर प्रशासन के द्वारा अंदर ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर हम आपको ये बात कहें कि काफ़ी भीड़ होने के कारण थोड़ी सी मुशक्कत हो रही है, मगर कहीं ना कहीं यूँ कहें कि महाशिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु का यहाँ भीड़ देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, इस समय हम देकुली धाम जो परिसर है उसके अंदर मौजूद है और वहाँ की तस्वीर भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। श्रद्धालुओं की तस्वीर देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जुट चुके हैं। सुगौली प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से लोगों ने महाशिवरात्रि का पर्व मनाया। नगर पंचायत के धनही स्थित शिवालय मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ने लगी। महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जल व दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर बेलपत्र, भांगपत्र, धतूरा व बेर का प्रसाद चढ़ाया और मंगल कामनाएं की। इस दौरान महिलाएं 16 श्रृंगार कर मंगल गीत गाते हुए शिवालय जाती देखी गई। इसके चलते सुबह से ही शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं सभी शिव मंदिर बोलबम के जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं प्रखंड के फुलवरिया, रघुनाथपुर बाजार, नयका टोला, भटहा, सुगाव, विष्णुपुरवा, छपरा बहास, वनस्पति स्थान सहित कई जगहों पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। युग्म पंचमुखी शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के मदद के लिए समिति के लोग सजग रहे और शिव भक्तों के सेवा में जुटे रहे। इस अवसर पर कई जगहों पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। वहीं लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष विवेक जायसवाल, ASI हेमंत कुमार पुलिस बल के साथ तैनात रहे। इतिहास के पन्नों में वर्णित है, आज हम उस स्थल के सुगौली यहाँ हम लोग पूजा अर्चन कर रहे हैं। और पिछले साल जो कोरोना काल था उसके बाद जो मंदिरों में पाबंदी लगी हुई थी, और इस बार का जो उत्साह उमंग लोगों में है, शिव भक्तों में जो उत्साह देखने को मिल रहा है, हमको लगता है अद्भुत स्मरणीय है। महाशिवरात्रि बहुत सारे दिनों के बाद शुभ योग आया है, जिसमें जलाभिषेक करने से अपनी महाशिवरात्रि पर्व पर मझौलिया प्रखंड के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भांग, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, अक्षत, चंदन चढ़ाकर भक्तों ने गंगा जल और दूध से शिव पर जलाभिषेक किया तथा भगवान भोलेनाथ की पूजा की।
पौराणिक मान्यता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। गौरतलब है कि मझौलिया के राजघाट मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यालय स्थित बाबा नागेश्वरनाथ, राजघाट स्थित शिव मंदिर, पचपन पुल स्थित शिव मंदिर, सिरिसवा बाजार स्थित शिव मंदिर, ऐतिहासिक अहवर कुड़िया शिव मंदिर सहित प्रखंड के सभी शिवालयों में अहले सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। शिव स्तुति तथा रुद्राभिषेक से वातावरण पावन हो गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर तमाम शिवालयों को सजाया गया था। शिव मंदिरों के आसपास फल, मिठाई, चूड़ी आदि की दुकानें सजाई गई थी और शिवरात्रि महापर्व को लेकर कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया गया। भगवान भोलेनाथ की पूजा उपरांत भक्तों ने मेले का लुत्फ उठाया। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ऐतिहासिक अहवर कुड़िया शिव मंदिर परिसर में लकड़ी के सामानों की दुकानें सज गई तथा खरीदारों की भीड़ पलंग, टेबल, कुर्सी आदि खरीदने के लिए बेताब देखी गई। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन का महापर्व महाशिवरात्रि है। गौरतलब है कि इस बार बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग भी बना हुआ है। विद्वानों के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत और अनुष्ठान करने से शनि, शुक्र और गुरु के दोषों से भक्तों को मुक्ति मिलेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्राभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। देखिए मझौलिया से एसटीवी न्यूज संवाददाता राजू शर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम हैं मझौलिया के राजघाट शिवालय में। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर काफ़ी हर्ष और उल्लास यहाँ पे देखा जा रहा है। शिव भक्तों में काफ़ी उमंग देखा जा रहा है और पौराणिक ये मान्यता है कि यहाँ पे शिवालय में जलाभिषेक करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शिव भक्तों में कैसी उमंग देखी जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? यहाँ पर बहुत पुरानी ये मंदिर है जिसके कारण यहाँ पर बहुत दिन से भी ये सब क्रियाकलाप होते रहते हैं जिससे जनता लोग आते हैं और कोरोना काल के लेके बहुत अब जनसंख्या कम हो चुकी है, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त जो शिव भगवान को पूजते हैं वो आते हैं, अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं, पूरी करते हैं और छोट मोट जो मेला लगता है जिसको इंजॉय करते हैं। और अब हम दूसरे यहाँ पे श्रद्धालु से पूछेंगे कि यहाँ कैसा लग रहा है उन लोगों के, यहाँ पे शिव भक्त का यहाँ पे कैसा लग रहा है यहाँ पे मंदिर पे? देखिए हर साल के भांति इस साल भी बहुत उमंग से शिव जी का जो मंदिर का पूजा होता है हर साल की बात इसी तरह होता रहता है। और यहाँ मंदिर के यहाँ पे और भी हमारे दर्शक हैं, उन लोग से जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है उन लोगों को। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा बा। यहाँ रायघाट मंदिर का बहुत भक्तशाली मंदिर बा, उधर बाहनी नदी बा, श्मशान घाट भी यहाँ बन गई सुंदर, मेला भी सुंदर लगता है नो। अपन के यह दो रायघाट मंदिर का हमने का ढलवाओ के बा आ आगे और बढ़ाओ के बा, और भी जौन यहाँ जमीन सरकारी जौन मेला ना खोला वो जमीन सरकार आकर के निकलवा के अपना डाक हमसे ले। और भी हमारे साथ श्रद्धालु है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या है उनकी अति, क्या उनका क्रियाकलाप है, क्या रहा है, क्या कैसा लग रहा है आपको यहाँ मंदिर में? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले से इसमें हम लोग समिति से गठन करके जुटे हैं और मंदिर को हम लोग अच्छे से रखे हैं, मेला बाजार अच्छे से लगाते हैं, नहान भी घाट भी होता है, पूजा पाठ भी अच्छा से होता है। हर राजा का बनवाए हुए मंदिर है, उसको झाड़ झूठ हम लोग पूरा पब्लिक बनवाए हैं, जनता सहयोग देकर बनवा रहा है। और भी हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। राजू शर्मा, एसटीवी न्यूज, मझौलिया। सारण जिले के गरखा प्रखंड स्थित आदर्श मध्य विद्यालय कदना में एसबीआई की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक सम्मान समारोह का आयोजन कर विद्यालय में नामांकित कुल 400 से भी अधिक छात्राओं के बीच स्कूल बैग व यूनिफॉर्म का वितरण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिले के शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं को संबोधित कर शिक्षा पदाधिकारी ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आज बेटियां देश और दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी है। वहीं इस मौके पर पधारे जदयू के वरिष्ठ नेता बैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल ने कहा कि आज महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयत्नशील है, बेटियों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी न रहे इसके लिए सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है और प्रोत्साहन राशि के जरिए आज बेटियों को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का मंच संचालन विद्यालय के शिक्षक अनिल सिंह तथा आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाध्यापक भूषण सिंह ने किया। इस दौरान शिक्षक उदय सिंह, जुनैद आलम, मुकेश सिंह, शिक्षिका शारदा सिंह, इंदु देवी व गुड़िया कुमारी समेत अन्य गणमान्य तथा ग्रामीण मौजूद रहे।
ये हमारे बैंक के द्वारा निर्णय लिया गया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, जिसमें कि हमारे सर्किल मैनेजमेंट में हमारे हेड ऑफिस पटना में है और हमारे CGM के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि बच्चों के बीच स्कूल बैग और स्वेटर बांटा जाए और उसी के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खेल खबरों की ओर रुख करते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सेमरावृत्त में आयोजित माउंटेन वॉलीबॉल क्लब के सौजन्य से वॉलीबॉल टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल मुकाबले में कंचनपुर नेपाल की टीम ने बेतिया की टीम को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। उतार चढ़ाव और सांस रोक देने वाले इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जोरदार खेल प्रतिभा को दर्शाया, जिसकी प्रशंसा दर्शकों ने की। कंचनपुर नेपाल की टीम के कप्तान ओम कुमार को विजेता ट्रॉफी देते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर साबिर अली ने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने में खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल एकता, भाईचारा और बंधुता का पैगाम देता है। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को स्वस्थ मानसिकता का परिचय देते हुए जोश और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का परिचय देना चाहिए। वॉलीबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव सचिदानंद ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभा की कमी नहीं है, प्रतिभाओं को सिर्फ दिशा और निर्देश और उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के पार्षद प्रत्याशी सभा शंकर प्रसाद शाह ने कहा कि खेल में हार जीत अनिवार्य अंग है। हारने पर खिलाड़ियों को निराश तथा जीतने पर खिलाड़ियों को घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए कहा कि खिलाड़ियों के अच्छे खेल ने सबको रोमांचित कर दिया है। विजेता टीम के कप्तान ओम कुमार ने आयोजक, दर्शकों और अतिथियों के प्रति आभार जताते हुए उनकी खेल भावना की तारीफ की। इस फाइनल मुकाबले में कंचनपुर टीम की विश्वजीत को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। साथ ही झुमका टीम के खिलाड़ी दानिश अहमद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इस टूर्नामेंट के आयोजक अमन हॉस्पिटल मझौलिया के शानदार आयोजन की सबों ने प्रशंसा की। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज। सच की आवाज़। नमस्कार।